मैंने कहा ना हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं और ये जीत आपने कहा उसके लिए आपको धन्यवाद। ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है कि उनको परमिशन नहीं मिला। दिखा जो सरकार कहे सरकार को दो, जो परमेश्वर कहे परमेश्वर को दो। अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो आऊंगा भाई, नहीं अगर परमेश्वर की मर्जी होगी तो नहीं आऊंगा। तेरा बाप भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। दोस्तों, जिस तरह की आप सभी जानते हैं कि अगले कल यानी कि 23 अक्टूबर को प्रोफेट बजिंदर सिंह जी की ओर से छत्तीसगढ़ में एक प्रार्थना सभा करने की घोषणा की गई थी, जिसको लेकर वहां के पास्टर्स की टीम ने वहां के गवर्नमेंट अधिकारियों से परमिशन भी ले ली थी और यहां तक कि जिस ग्राउंड में यह सभा होनी थी उसके पैसे भी दे दिए गए थे। लेकिन कुछ वहां के दल और संघ संगठन वालों ने इसका इतना कड़ा विरोध किया कि उन्होंने दंगे फसाद करने तक की बातें भी कर दी और प्रोफेसर बजिंदर सिंह जी को भी कई तरह की धमकियां देने लगे कि उन्हें वह वहां पर नहीं आने देंगे, जिसके कारण यह मामला वहां के हाईकोर्ट तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, प्रोफेसर बजिंदर सिंह जी ने इस सब के जवाब में ये भी कहा था कि अगर परमेश्वर ने चाहा तो इस मीटिंग को होने से कोई भी नहीं रोक सकता और मैं छत्तीसगढ़ मीटिंग करने जाऊंगा, बाकी जो परमेश्वर को मंजूर होगा वही हम करेंगे, क्योंकि मसीह लोग धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े नहीं करते और ना ही ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, बल्कि हम मसीही तो परमेश्वर का प्यार बांटते हैं जिसके लिए परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है और शांति का प्रचार ही हम करते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इस मीटिंग के होने का या ना होने को लेकर एक न्यूज़ हमारे सामने आई है, जिसमें आपको बता दें कि हमारे सामने एक न्यूज़ चैनल N24 न्यूज़ जिसका नाम है, उसके द्वारा दल के साथ लिए गए एक इंटरव्यू में यह पता चला है कि अब हाई कोर्ट ने इस मीटिंग को करने की अनुमति नहीं दी है, जो कि इस मीटिंग का एक बड़ा अपडेट निकलकर हमारे सामने आया है, जिसे आप इस वीडियो क्लिप में खुद सुन सकते हैं कि कैसे दल के लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। शस्त्र पूजा इन्होंने किया, हमारे साथ रतन यादव जी जुड़ने जा रहे हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ कहना चाहते हैं जी, बताएंगे आज ये जो भव्य आयोजन कर रहे हैं क्या कुछ कहना चाहते हैं। ऐसा है कि हर साल हम शस्त्र पूजन करते आ रहे हैं, विजयादशमी के पावन पर्व पर हम लोग ये शस्त्र पूजन करते हैं। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है ये, और उसी को लेकर के सभी बजरंगी आसपास के जिलों से हजारों की संख्या में आज यहाँ शस्त्र पूजन करने के लिए उपस्थित हुए। एक लड़ाई अभी अभी और जीते हैं, उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? लड़ाई जीते नहीं है, ये तो हिंदू धर्म के लिए हम लड़ते रहेंगे, ये मिशनरी जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक हम लोग जाएंगे। मैंने कहा ना हम धर्म के लिए लड़ने वाले लोग हैं और ये जीत आपने कहा उसके लिए आपको धन्यवाद। ये मेरी जीत नहीं है, ये पूरे हिंदू समाज की जीत है कि उनको परमिशन नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, भले ही छत्तीसगढ़ में इस मीटिंग को लेकर बहुत विरोध हुआ हो और मसीह लोग शांति पसंद लोग हैं, जिस कारण वह भी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पर कोई दंगा फसाद हो, इसलिए उन्होंने कानूनी सहायता से ही सब किया। लेकिन दोस्तों, इस विरोध में भी उन विरोध करने वालों के द्वारा परमेश्वर का प्रचार ही हुआ है। बहुतों को इस सबके द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार, चमत्कार और प्रोफेट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में पता चला होगा। तो दोस्तों, हम सभी यही चाहेंगे कि विरोध करने वालों पर भी परमेश्वर की दया हो और उनका भी भला ही हो, क्योंकि वह मसीह की सामर्थ्य से अभी अनजान हैं। बाकी आप इसको लेकर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।